मित्रों नमस्कार। दो दो झोला भरकर मैंने सुपर फूड लिया हुआ है और सभी लोग इसको जानते हैं। इसका नाम मोरिंगा है, सहजन भी इसको कहते हैं। और एक माना जाता है, शोध में भी पाया गया है कि 300 तरह की बीमारियों के रोकथाम के लिए, या कह लें कि ये बीमारियों को जन्म नहीं होने देता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से इतना मजबूत कर देते हैं कि किसी तरह की भी घातक और साधारण बीमारी नहीं होने पाती है। लेकिन होता क्या है, आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी आधा आधा मीटर की 75-75 सेंटीमीटर की फलियां मेरे हाथ में है। और आमतौर पर इसमें जो फलियां आती हैं, जो पारंपरिक किस्में हैं, साल में सिर्फ एक बार फल देती हैं और इसमें फूल जनवरी फरवरी में आता है और मार्च तक वो फलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद पूरे साल हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, तीन ऐसी किस्में हैं जिसको साल भर आप खाइए, साल भर तोड़िए, साल भर भी इसमें फलियां रहती हैं, फूल बना रहता है। आप देख रहे होंगे इसी पौधे पेड़ से हमने ये फलियां तोड़ी हैं और इसमें फूल भी लगा हुआ है। और देखिए छोटे छोटी फलियां आनी भी शुरू हो गई हैं। अब सबसे नाजुक फलियां हैं, इसको खाने में बहुत ही आनंद देगा। और अभी मैंने इससे तोड़ा है। जो जो खास किस्में हैं, इन किस्मों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, कब रोपें, कैसे रोपें। और आपको बता दूं कि ये फलियां ही नहीं बल्कि इसकी फूल, इसकी पत्तियां, सब कुछ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों का चूर्ण आ रहा है, टैबलेट आ रहा है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी तमाम जो कंपनियां हैं वो बेच रही हैं और महंगे महंगे दामों पर बेच रही हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या गुण है कि इतने महंगे महंगे टैबलेट इसके पत्तियों के बनते हैं? तो हमें भी इसका इस्तेमाल नेचुरल रूप से करना होगा। इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाकर खुद खाइए, घर में लगाइए, अपने घर की बगिया में लगाइए, शहर में रहते हैं तो गमले में लगा लीजिए, क्योंकि ये वैरायटी ही ऐसी है कि इसको आप कहीं भी उगा सकते हैं। तीन वैरायटियां आती है जो पूरे साल फल देती हैं। इधर फलियां खत्म नहीं हुई, उधर तैयार हुई, उधर फूल आना शुरू हो गया। पहली फली जो है कोयम्बटूर 2, जी हाँ कोयम्बटूर 2 जो है, यह जो है लगभग 90 दिन बाद, रोपने के 90 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। आधा मीटर तक इसकी फलियां होती है, यानी 50 सेंटीमीटर तक इसकी फलियां होती हैं। और पोषक तत्वों को का क्या कहना, स्वाद भी लाजवाब होता है। इसके अलावा जो है PKM 1 और PKM 2, दो ऐसी वैरायटियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और पूरे साल कभी भी इसके पेड़ पर जो है फलियों की कमी नहीं दिखाई पड़ेगी, पूरा का पूरा फली लदा रहता है। अभी तो बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया है। मैं प्रगतिशील किसान नेशनल अवार्डी जो है किसान राममूर्ति मिश्रा जी के यहाँ हूँ और इसका फूल भी बहुत लाजवाब होता है। इसका साग, इसकी पकौड़ी बनाकर खाइए, वास्तव में बीमारियों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाला होता है। इसकी पत्तियों को सुखा लीजिए छाए में और चूर्ण बना लीजिए, आप खाइए। लेकिन सुपर फूड जिसको हम कहते हैं, हम अक्सर सोशल मीडिया और बहुत सारे लेख फीचर में पढ़ने को पाते हैं कि जो ये सहजन है, ये सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा लजीज और सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए इसका नाम सुपर फूड कहा गया है। तो मित्रों आप देर मत करिए, आज ही अपने नजदीकी जो नर्सरी है वहां जाइए, KPM 1 या KPM 2 मांगिए या कोयम्बटूर 2 मांगिए। तीन वैरायटियां अगर आप रोप लेते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पौधे नहीं मिल रहे हैं तो जिसके पास भी किस्में हैं, इसकी आप कटिंग बना लीजिए और इस कटिंग का को क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे। इसके बाद आप जून जुलाई महीने में, सितंबर महीने तक इसकी रोपाई कर दीजिए अपने खेत में, अपने आप नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो आपको पौधा भी नहीं खरीदना पड़ेगा, बाकी इसकी फलियों को सुखा लीजिए, पक जाए तो उनके बीज से भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। कटिंग, बीज, दोनों विधियों से पौधे को तैयार किया जा सकता है, KPM 1, KPM 2 और कोयम्बटूर 2। नोट कर लीजिए आज ही, आप कहीं भी नजदीकी कर लीजिए। बाकी बस्ती में अगर आप लेना चाहते हैं तो उद्यान विभाग का आदर्श पौधशाला है, केंद्रीय पौधशाला है, इन दोनों जगहों पर आपको आसानी से पौधा उपलब्ध हो जाता है। और वन विभाग भी जब पौधरोपण होता है तो निःशुल्क बांटता है और उद्यान विभाग भी निःशुल्क बांटता है। तो आसपास के जो जनपद के किसान हो, बस्ती जनपद में आ सकते हैं, अयोध्या से सटा हुआ है, यहाँ से पौधे क्रय कर सकते हैं। लेकिन क्रय करने के पहले आप इंटरनेट पर सर्च कर लिए संयुक्त निदेशक उद्यान का नंबर, और उस नंबर पर मोबाइल नंबर भी आपको वहां मिल जाएगा। इंटरनेट पर वेबसाइट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की खोलेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ही इस पौधे को लगाइए, कभी भी लगा सकते हैं। गर्मी में ज्यादा थोड़ा रोपना, उसकी नमी बनाए रखना कठिन होता है, इसलिए सबसे अच्छा जो रोपने का समय होता है वो मुफीद समय होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का। आप चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बीज से छिटवा विधि से बुआई कर दीजिए, चारे के रूप में इस्तेमाल करिए। व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल, इसका चूर्ण बनाना चाहते हैं तब भी आप, इसकी प्रूनिंग बहुत जरूरी है, जितना अच्छा कटाई करेंगे उतनी ज्यादा आपको फलत मिलेगी। तो प्रूनिंग भी समय समय पर करते रहना चाहिए अगर फलत के लिए करना चाह रहे हैं।
तो 3×3 मीटर पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी भी 3×3 मीटर पर रख करके पौध कर सकते हैं। इसमें किसी तरह के रसायन उर्वरक का प्रयोग न करें, और जो पौधा राममूर्ति मिश्रा जी ने लगाया है इसमें किसी तरह के रसायन उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, इन्होंने मेड़ों पर लगा रखा है, इसलिए बिना खाद उर्वरक बिना कीटनाशक के किया जा सकता है। तितलियां उड़ रही है, बायोडाइवर्सिटी के लिए पशुपक्षियों के लिए भी बहुत अच्छा ये पौधा है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सेहत के लिए पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा पौधा सिर्फ और सिर्फ मोरिंगा है। मोरिंगा की पत्तियां, जड़, छाल, फूल, फलियां, सब कुछ आपकी सेहत के लिहाज से बेहतरीन होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपसे आशा करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपके सेहत से जुड़ा सवाल है। सबके घर में मोरिंगा होना चाहिए, सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं, विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी कहता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि मोरिंगा हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। इसकी पत्तियों का नियमित प्रयोग करिए, फलियों का नियमित प्रयोग करिए और फूल का नियमित प्रयोग करिए, और तभी मिलेगा जब आप 3 किस्में रोपेंगे, KPM1, KPN2 और Coimbatore-2। तो इन 3 किस्मों को आज ही रोपिए और साल भर फलियां खाइए, फूल खाइए और पत्तियों का मजा लीजिए और सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।